Zoom, isko dekho. शाहरुख खान की मदर इन लॉ है उनकी सबसे बड़ी फैन और शिल्पा शेट्टी ने किया एक फोटो शूट एक इंटरनेशनल मैगजीन के लिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं पेज 3। खास आपके लिए है आज यहाँ सितारों की भीड़, सेलेब्स की बात, दिन भर के इवेंट्स और पार्टीज की रात, फैशन का ग्लैमर सिर्फ मेरे साथ, क्योंकि जो भी हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, सब कुछ होता है पेज 3 पर। सलमान खान को है बच्चों से प्यार, शोभा डे की फैशनेबल कॉकटेल साड़ीज लॉन्च, तब्बू की एक खास झलक मल्टीप्लेक्स की एनिवर्सरी पर, फरहान अख्तर अब कैमरा के सामने, सलमान खान एक बार फिर आगे आए बच्चों की खातिर, मगर इस बार उन्होंने अपने एक्टिंग, डांसिंग या मॉडलिंग टैलेंट दिखाने के बजाय बच्चों के कॉज के लिए पैसा इकट्ठे किए अपनी पेंटिंग से और हमेशा की ही तरह बिना पब्लिसिटी बटोरने की कोशिश किए। मीडिया की कितनी ही कोशिश नाकाम रही जब सलमान खान ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली और एक शब्द नहीं कहा अपनी चैरिटी के बारे में, मगर ये पहला मौका था जब सलमान ने अपने आर्ट को बेचने का फैसला किया। This is the first work of art that I'm ever selling. सलमान ने बड़े चाव से रंग दिया था अपने ख्वाबों को कैनवस पर और जितने जोश के साथ वो लाए थे इस आर्ट को ऑक्शन करने, उतना ही मायूस होना पड़ा सलमान को जब इस पेंटिंग को नहीं मिल पाई वो रकम जिसकी वो हकदार थी। Well, I don't know much about art, but I don't even know what colors I'm using this. And eventually it turned out right. So, well, if this painting doesn't go for a figure that I figured it should go for, I will take this painting back home. And once I become an artist who is like going to die any second, I will sell this. I will give the money that I get from this particular painting, no matter how long it takes, to this charitable organization. अब खामोशी तो बहुत थी, मगर आखिर कब तक सलमान चुप रहकर करते रहेंगे सोशल कॉज के लिए कंट्रीब्यूशन, जब छोटे भाई सोहेल की भी दिली तमन्ना है कि अपने नेक कामों के बारे में सल्लू भाई को कुछ लफ्ज तो बोली देने चाहिए। जैसे कि हम डैडी को भी कहते हैं, सलमान भाई को भी कहते हैं कि कभी कभी आपको ये जो चीज़ें हैं आपको पब्लिक के सामने, प्रेस के सामने लाना चाहिए, बिकॉज ऐसी कोई बात नहीं है कि शो ऑफ करने के लिए, खाली वो बात है कि कभी कभी अवेयरनेस बढ़ती है और जब सलमान भाई जैसे लोग, डैडी जैसे लोग, मम्मी करते हैं, तो दैट विल जस्ट इनकरेज अदर पीपल टू आल्सो डू इट। और अरबाज की राय चैरिटी के बारे में है थोड़ी अलग। आई बिलीव इन द ओल्ड फिलोसफी ऑफ चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अगर किसी भी एक अपने इर्द गिर्द के लोगों को हेल्प करें, मैं तो ये बोलता हूँ आपके आपके ड्राइवर के बच्चे को या आपके घर में कोई एम्प्लॉई है उसके बच्चे को या उनको। ये फंड रेजिंग इवेंट आयोजित किया था प्लान इंडिया ने, जिसके गुडविल एम्बेसडर हैं अनिल कपूर। और जब अनिल कपूर जैसी हस्ती कदम रखे किसी सोशल कॉज में, तो भले उनके साथी कैसे पीछे रह सकते हैं। सुपरस्टार सलमान खान के अलावा यहाँ अनिल कपूर का साथ देने आए ऋषि कपूर, विनोद खन्ना और अक्षय खन्ना, संजय खान, दिया मिर्जा, सोहा अली खान, शमिता शेट्टी और इंडस्ट्री के कई सारी जानी मानी हस्तियाँ। ये जो प्लान इंडिया था वो बेसिकली इंटरनेशनल पैसों से फंड किया गया था, मगर अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी मिलकर इस प्लान इंडिया, ताकि हमें इंटरनेशनली हाथ फैलाना नहीं पड़े। जब इंसान किसी के लिए कुछ कर पाता है तब उसे इस बात का एहसास होता है कि उसका जिंदा होना पूरी तरह से इनसिग्निफिकेंट नहीं है। आई थिंक किसी के लिए कुछ करना उसमें भी एक बहुत ही सेल्फिश रीज़न होता है, क्योंकि वो खुद को अच्छा एहसास दिलवाने के लिए ही होता है। एक्चुअली गर्ल चाइल्ड के लिए हमारी जो कंट्री में बहुत कठिन है एक लड़की बनना, फ्रॉम कंसेप्शन फीमेल इन्फेंटिसाइड टू यू नो टू डाउरी डेथ्स टू सती बर्निंग्स टू लॉट्स ऑफ थिंग्स, इट्स अ प्रॉब्लम। So I think that the situation is slowly changing, but I think especially for education, it's something I really value my education. It's something that my family valued, and I think as a woman, it's very empowering. I also believe that generally women are far more intelligent than men. Charities के साथ Bollywood का संगम तो होता है डंके की चोट पर, मगर जब यही charity करते हैं socialites, तो वो सीमित हो जाती है खामोशी के दायरे में। मैं तो अपने quiet moment में charity करती हूँ और ये सब
इतना धूमधाम से नहीं। जी मैं बहुत चैरिटी करती हूँ मगर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ उनके बारे में, क्योंकि मैं समझती हूँ कि चैरिटी करना बहुत पर्सनल चीज़ है और जब आप किसी की मदद करते हैं तो अच्छा नहीं होता कि सबको बताए कि मैं मदद कर रही हूँ। मीडिया सामने आती है एज अ रिजल्ट ऑफ सेलिब्रिटीज, पैसे भी ज़्यादा आ जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ सेलिब्रिटीज बीइंग ऑन बोर्ड, पीपल्स पॉकेट्स बिकम अ लिटिल लूजर, एवरीवन विलिंग टू शेल आउट अ लिटिल मोर मनी। और जहां बच्चों के इस इवेंट पर ये सेलेब्स कर रहे थे कुछ नेक काम, वहीं कुछ सेलिब्रिटी पेरेंट्स अपने बच्चों को कर रहे थे एनकरेज और शायद एक कोशिश ग्लैमरस वर्ल्ड में उनके इमेज बनाने की। मैं और निर्वाण आज रैंप पे चलेंगे एंड हाउ आर वी गोना वॉक निर्वाण, वी आर गोना वॉक लाइक अ डूड्स। हमने सोचा कि हम मैचिंग आउटफिट्स पहनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हम बहुत ही खुश हो गए कि बहुत सारे लोग ने बहुत सारे तालियां मारे एंड एवरीवन वाज चीयरिंग अस एंड वी गॉट वेरी वेरी एक्साइटेड। माय सन इज आल्सो लुकिंग सो हैंडसम इन अ सूट टुडे एंड उमर स्माइल सेलिब्रिटीज ने इस कॉज से अपने लगाव को सिर्फ चैरिटी और अपनी मौजूदगी तक ही सीमित नहीं रखा। डॉन के निर्देशक फरहान अख्तर तो निकल आए इससे भी आगे, वो तो तैयार हैं बच्चों से अपने प्यार को बड़े पर्दे पर दर्शाने के लिए। काफी अजीब बात है क्योंकि जो मेरी अगली फिल्म बन रही है वो एक 8 साल के बच्चे के बारे में है, चिल्ड्रंस फिल्म होगी अगर 8 साल के बारे में तो इट विल बी फॉर इट्स अ फैमिली ड्रामा बट इट रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अ 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड। तो अब देखते हैं कब मिलता है सलमान को अपनी पेंटिंग का असली मोल और शायद तब सलमान को मायूस नहीं लौटना पड़े और वो अपनी दिली ख्वाहिश को भी पूरा कर सके। सीमा सिन्हा, जूम मुंबई। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार 3 भाग्यशाली ब्यूटीज ने मिस इंडिया का खिताब जीत ही लिया। वीजे टर्न मॉडल सारा जैन बनी है पैंटालून्स फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2007, पूजा गुप्ता पैंटालून्स फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स और पूजा चिटकोपेकर है पैंटालून्स फेमिना मिस इंडिया अर्थ। दैट्स माय फर्स्ट ब्रेथ। ऑल दिस व्हाइल आई हैव जस्ट बीन ऑन द फोन, I've shook and I think everyone's hands and I've said thank you I don't know how many times. I'm so happy. दिखाई नहीं देता लेकिन I don't think it's set into my head yet. I always wanted this crown. I love it. There's a ruby like there and the minute I saw it I'm like I want that crown and I'm gonna go for it and I just went through with it and today I'm here. That's it. It feels great. I'm so happy, so excited to be standing here with the Miss India Earth crown and my life is going to change in such an incredible way and my next goal is to bring back the Miss Earth crown for India. पैंटालून्स फेमिना मिस इंडिया बनकर इन लड़कियों ने आसमान तो अपनी मुट्ठी में कर ही लिया है मगर अब उनके इरादे हो गए हैं और भी बुलंद। इसके बाद प्रेशर बहुत ही बढ़ने वाली है बट आई बिलीव दैट आई कैन ब्रिंग इट बैक दिस ईयर। I really believe. Ab I have to prepare to show that India is best in Miss at the Universe pageant and I'm going to just going to go and just do my work best. I really want to concentrate on the international crown but it's going to be an amazing year and I'm so happy to be an ambassador for India. वैसे तो पैंटालून्स फेमिना मिस इंडिया पेजेंट जीतती है वही लड़की जो होती है हर तरीके से बेस्ट, मगर इस बार की विनर्स में क्या है सबसे खास इस पर जजेस और सेलेब्स की है अलग-अलग राय। मुझे लगता है स्पेशली पूजा सी और सारा ने बहुत ही अच्छी तरह बात की एंड उनकी इंटेलिजेंस केम थ्रू एंड ऑफ कोर्स दे आर ब्यूटीफुल, सो दैट वाज वन थिंग दैट रियली स्ट्रक मी इज हाउ वेल स्पोकन दे वर। कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि कोई क्वेश्चन भी नहीं ऐसा नहीं होता जिसमें वो सोचती हैं ज़्यादा, उनको सब कुछ अंडरस्टैंडिंग है, दे सीम टू बी फार फॉर मोर aware of the world and which is very nice. मैं हर एक में आई थिंक कहीं ना कहीं अपने कंटेस्टेंट मेरी जो पहले कंटेस्टेंट से उनकी तरह सिमिलैरिटी ढूंढ रही थी कि ओह शी इज लाइक हर, शी इज चर्पी लाइक हर, शी इज अ मोर सीरियस वन लाइक दिस वन, बट आई थिंक कंटेस्टेंट्स काफी फोकस्ड थे, दे ऑल न्यू व्हाट दे वर गेटिंग इनटू एंड वी हैव गॉट अ लवली सेट ऑफ विनर्स अगेन। द गर्ल्स दैट इवेंचुअली मेक इट थ्रू टू द 25 और द 10 डू हैव द बेसिक रिक्विजिट्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड यू नो good looks and poise and personality. Yeah. और अब तैयारी है आगे की, यानी मिस अर्थ, मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड के ताज पाने की और कुछ नए आसमान छूने की। रोमा श्रीवास्तव, जूम मुंबई। विवेक ओबेरॉय शूट आउट एट लोखंडवाला तो कर रहे हैं मगर इसके अलावा वो ओमकारा के बाद तो कुछ गायब से ही हो गए।
और खबर है कि शूटआउट से पहले वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कुछ फिल्मों का। यहाँ तक कि उन्होंने विपुल शाह से दरख्वास्त की उन्हें नमस्ते लंदन में उपेन पटेल का रोल निभाने दें, मगर विपुल ने कहा कि ये महज एक छोटा रोल है और फिल्म के असली हीरो तो हैं अक्षय कुमार। तो विवेक, लगता है इंतजार है जारी। क्यों?